हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। ठीक है, देखिए मौसम काफ़ी अब सुहाना रहेगा क्योंकि हो सकता है दिल्ली में बारिश हो। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर की। ये NIOS ज्योग्राफी चैप्टर 16 रहने वाला है क्लास 12th का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, लाइक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। पूरा चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बट ये जो वीडियो रहेगी ये पहला पार्ट रहेगा। ठीक है, पार्ट्स में आएगी सो दैट कि आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज एंड सोर्सेज ऑफ वाटर, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक हैं इनको हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपका कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है सो दैट कि चैनल सस्टेन कर सके। ठीक है, इतनी भाग दौड़ में, इतनी भीड़ भाड़ में सस्टेन कर सके और आगे बढ़ सके तो आपका कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाइए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर देखिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। लाइक एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद द वाटर। हम भी लाइक अगर हम बात करें तो प्रीमॉडल अगर काल की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो लाइफ इवॉल्व हुई थी ना, वो भी कहीं ना कहीं जो लाइफ थी, यानी पहली फॉर्म जो लाइफ की अर्थ पर इवॉल्व हुई थी वो भी वाटर में ही हुई थी, जस्ट बाय द मिक्सिंग ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स और गैसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू द वाटर, इस तरीके से है। अब जब लाइफ ही वहाँ से इवॉल्व हुई है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें जब वाटर में हुई तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लाइफ विदाउट वाटर ऑन अर्थ मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ये सोचने वाली बात है, लाइक पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं अर्थ पर खासकर। ठीक है, अगर अदर प्लैनेट्स की भी बात करें ना, अगर वहाँ पर सिर्फ वाटर वाटर है तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मरीन लाइफ है वो तो एक बार को वाटर ही जो प्लैनेट है उसमें सस्टेन कर जाएगी। बट वहीं पर अगर ह्यूमंस की बात करें तो क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? नहीं, दे नीड सर्टेन अदर एलिमेंट्स एज वेल, लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनको, ठीक है, ताकि वो सांस ले सकें पानी में, तो वो तो नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमारी धरती पर जो भी वाटर है वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसे पीते हैं और बिना पानी के हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। अब मानकर चलिए पानी नहीं है, मान लीजिए अर्थ पर पानी नहीं है, क्या पेड़ पौधे उगेंगे? नहीं उगेंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या फिर हम मेडिसिनल जो चीज़ें हैं वो बना पाएंगे? मेडिसिनल जो गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। मेडिसिन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए लाइफ जो है वाटर से कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्टली मान लीजिए या फिर इनडायरेक्टली मान लीजिए, कनेक्टेड है। बट आज के समय में क्या है कि जो वाटर के जो रिसोर्सेज हैं हमारी, खासकर मैं अब अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करूं तो इंडिया में जो वाटर के रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब कम होते जा रहे हैं। अब जो कम क्यों हो रहे हैं, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण। लाइक वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर हो, लाइक एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 80% जो ग्राउंड वाटर है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर के अलावा हमारे पास काफ़ी अदर रिसोर्सेज भी हैं, लाइक सर्फेस वाटर हमारे पास रहता है, ओशियंस हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो उन फॉर्म में भी हमारे पास वाटर अवेलेबल भी है। ठीक है, बट क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जो पोर्टेबल वाटर है ना अर्थ पर वो 3% है, 3% है। लाइक अगर हम बात करें 97% जो वाटर है वो हमारे लिए पोर्टेबल है ही नहीं, यानी ड्रिंकिंग पर्पस है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इंडिया में भी जो वाटर है वो भी बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता है। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अब बात करें दूसरी चीज़ों की, तो अब मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो पीपल होते हैं वो अपनी गाड़ी वॉश करते हैं, ठीक है, गाड़ी वॉश करते हैं, फालतू में नल को चलाते हैं। ठीक है, और समरसीबल, आज के समय समरसीबल बहुत हो गए हैं, ट्यूबवेल्स हो गई हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, बात करते हैं अदर जो यूज़ हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस, तो वहाँ पर भी ये जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है, सो दैट कि आर्टिकल्स वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो सकें और हम तक डिलीवर हो सकें। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो टफेस्ट एलिमेंट है अर्थ पर वो है डायमंड। ठीक है, जो हर किसी चीज़ को काट सकता है, इवन शीशे को काटने में डायमंड का ही उपयोग होता है। बट यू नो कि आप जानते हैं कि जो वाटर है वो वाटर जो है डायमंड से भी हार्ड है। ठीक है, अगर वाटर को एक बार फुल प्रेशर के साथ अगर किसी भी ठोस धातु पर लगाया जाए ना, या उसके तरफ पॉइंट आउट करा जाए, तो वो उसको भी आराम से चीरते हुए चला जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो ईजिली क्यों लुढ़कते हुए जाते हैं? बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो किसने काटे? पानी नहीं काटे, तो पानी जो है
एनीथिंग कैन डू, ठीक है, कुछ भी कर सकता है पानी, और हमारे जीवन को सस्टेन या हमारे जीवन को आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस करने में, डेवलपमेंट में, तो कहीं ना कहीं वाटर का ही यूज होता है। चाहे डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कंस्ट्रक्शन से जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं जो अर्बन एरियाज में, ठीक है, वो कैसे मतलब सह पाती हैं, कैसे आगे बढ़ पाते हैं, डेवलपमेंट कैसे हो पाता है, प्रोग्रेस कैसे हो पाती है, वो जस्ट बाय द यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसलिए वाटर एक अहम रोल प्ले करता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, और वी मस्ट टेक सर्टेन मेजर्स टूवर्ड्स ए टूवर्ड्स यू नो, हम पानी को बचाने के कुछ मेजर्स ले सकते हैं, और या फिर अपनी तरफ से भी कुछ इंडिविजुअल लेवल पर कुछ मेजर्स उठा सकते हैं, सो दैट कि पानी को जितना हो सके वहाँ तक बचाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वाटर की बात करें तो वाटर जो है एक बेसिक रिसोर्स है ह्यूमंस का, ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लार्ज चंक है जो अर्थ का, जो कहीं ना कहीं वाटर से ढका हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 97% जो वाटर है वो अर्थ पर पाया जाता है जो कि पोटेबल नहीं है, बट जो अदर 3% ऑफ वाटर है जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेक्स है, रिवर्स है, ठीक है, ग्लेशियर्स है, और अंडरग्राउंड वाटर इन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3% ऑफ वाटर है उसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, और वाटर ही एक ऐसी चीज़ रही जिसने लाइफ को कहीं ना कहीं जन्म दिया, और लाइफ विदाउट वाटर ऑन अर्थ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो लिविंग बींग्स यानी जो क्रिएचर्स हैं यानी जो एनिमल्स हैं उनमें 65% वो जो ना वाटर कैरी करते हैं अर्थ का, ठीक है, और 65-99% प्लांट्स में वाटर पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर जो है काफ़ी एसेंशियल होता है डेवलपमेंट में, वो कैसे होता है मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, बता चुका हूँ कि कैसे होता है। अब यहाँ पर जो वाटर है काफ़ी अबंडेंस में तो पाया जाता है, 3/4 ऑफ द अर्थ जो है वाटर से घिरी हुई है, बट फिर भी ये हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। ये एक तरीके से कहें ना कि जो काफ़ी सोने की थाली है और उसमें काफ़ी प्रकार के भोजन हैं, बट हमारी जो भूख है वो उनके लिए नहीं है, हमारी भूख वाटर के लिए है, तो वो भोजन किसी भी प्रकार के से किसी प्रकार से हमारे लिए काम नहीं आने के हैं। तो ऐसे ही ये वाटर है, ठीक है। हमारे पास जो वाटर पाया जाता है स्कार्सली और स्पार्सली लोकेटेड है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वाटर के वो बहुत कम है, ठीक है। 3% जो वाटर है वो पोर्टेबल है यानी पीने योग्य है, ठीक है। अब पोर्टेबल वाटर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। ये नहीं कि हर जगह में इंडिया में हर जगह में पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग पर्पज़ का वाटर पाया जाता, नहीं, कहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी सारी सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कहीं ना कहीं पहले फुलफिल होना चाहिए, फिर उसी के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर जो मिलने की संभावना है। देखिए, फ्रेश वाटर लेक का अपने नाम से द ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका, ठीक है, वो जैसे कि लेक ओंटेरियो, लेक मिशिगन, तो ये 4-5 लेक हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वाटर है लाइक अमेरिका में तो काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है, मगर फिर भी वहाँ पर पाइपलाइन भी चाहिए, जैसे कि दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में भी अब यमुना के चलते काफ़ी जगहों पर क्या है कि वाटर की जो सुविधा है वो डिसरप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है ऐसा नहीं है कि हर जगह पर है, नहीं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ना कि इवनली, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर है ही नहीं। राजस्थान की बात करें या फिर हमारे जो थार डेजर्ट वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पर तो वाटर है ही नहीं, लाइक काफ़ी ज़्यादा डिग करने के बाद भी वहाँ पर वाटर नहीं आ पाता हाथ में, ठीक है। और कहीं पर अगर हम थोड़ा सा भी डिग करते हैं तो वहीं पर हमारे हाथ में वाटर आ जाता है। तो कहीं पर जो वाटर टेबल है वो काफ़ी ऊपर होती है और कहीं पर काफ़ी नीचे चली जाती है इस लेवल से, ठीक है। इतनी नीचे चली जाती है कि डिग करने पर भी, गड्ढा खोदने पर भी हमारे पास वाटर नहीं आ पाता है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है। हमने देखा कि दिल्ली में जो बैन लगा हुआ है वो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करने के बाद ही बैन लगा, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो अदर एलिमेंट्स लाइक लेड जो है वो पाया जाता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की हेल्थ को डिटेरियोरेट कर सकता है। तो इसीलिए जो बोरवेल लगाने पर और जो अंडरग्राउंड वाटर है दिल्ली में उसको एक्सट्रैक्ट करने के पर बैन लगा हुआ है, इसीलिए दिल्ली में हर जगह पर वाटर जो है पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसा यहाँ ही नहीं, हर जगह पर मतलब पानी है, वो अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पर पानी जो पाइपलाइंस के द्वारा ही सप्लाई होता है, क्यों, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। मगर फिर भी लोग क्या हैं या पीपल वो क्या करते हैं, वो जो है ना समरसिबल लगवा लेते हैं और फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर अपनी गाड़ियाँ धोते हैं, घर धोते हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा लाइक अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं करते, ठीक है। मगर पानी को जो है ना जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, ये एक रिन्यूएबल और इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, बट फिर भी हम पानी के संदर्भ में आज भी ट्रबल में हैं। क्यों ट्रबल में हैं? क्योंकि पानी जो है हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अनइवनली पाया जाता है, कहीं पर है नहीं, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो 4% वाटर जो है हमारे पास
वर्ल्ड का पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। और वहीं पर इंडिया जो हाउसिंग करता है तकरीबन 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में पाई जाती है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो पर कैपिटा जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है कंट्री में, ठीक है। अब देखा जाए 1/8 जो एरिया है, मतलब 1/8 जो एरिया है, 8 में से पहला जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं फ्लड प्रोन है, फ्लड प्रोन है, मगर फिर भी 1/6 जो है वो ग्रिप है, ग्रिप के अंदर है, यानी ड्रॉट की ग्रिप के अंदर है, वहाँ पर सूखा पड़ता है 1/6, ठीक है। 1/6 एरिया उसमें अभी भी सूखा पड़ता है, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ये जो वाटर है इसको काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ करा जाता है, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल लेवल पर ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो अदर जो इंडस्ट्रीज़ हम उनके लिए क्यों ना हो, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे फिर वो इरिगेशन में हो, ठीक है, चाहे फिर वो अदर जो पर्पसेस हैं जैसे कि एनर्जी जनरेशन में हो, तो काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं वाटर के। मगर फिर भी अगर हम बात करें फूड ग्रेन्स की बात करें तो फूड ग्रेन्स विदाउट वाटर क्या हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं? नेवर, नो, कभी नहीं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं पिक्चर में लाने के लिए, उगाने के लिए वाटर की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। क्योंकि देखिए अब वाटर के जो लेवल हैं वो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए एक तरफ तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फिर जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं होगी, जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो फिर वो क्या करेंगे, एक्सेसिबली वाटर का जो है इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे, फिर उससे क्या होगी, वाटर स्कैरसिटी बनेगी, वाटर की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर उससे क्या होगा कि जो पीने का पानी है ना वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें देखना पड़ेगा। अब एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड में जो है इंडिया का जो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा लैंड जो है ना वो इरीगेटेड लैंड में आता है, लाइक उसको जो ना अंडरग्राउंड जो वाटर है ना उससे इरीगेट करा जाता है, ठीक है। और अदर जो सरफेस वाटर जैसे कि कैनाल हो गया, जैसे कि बम्बे वगैरह हो गए, तो उनसे इरीगेट करा जाता है, रिवर से इरीगेट करा जाता है। तो मतलब इरीगेटेड लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, लाइक पहले नंबर पर, ठीक है। तो इसलिए इरीगेशन से हमारे पास काफ़ी सारी फसलें भी हैं, काफ़ी सारे जो वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स भी हैं, लाइक चावल, चावल को चावल एक जो है ना इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। ऐसे ही एक गन्ना हो गया, जो वीट हो गया, वीट को भी काफ़ी पानी चाहिए, ठीक है। अब जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं, जैसे कि बाजरा हो गया, बाजरा एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं, वो इजीली हर किसी प्लेस पर भी उगाया जा सकता है। अब वाटर यानी अगर मानकर चलिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर पहले 5 लोग रहा करते थे, मगर आज के समय में यहाँ पर कितने लोग बस गए हैं, 5000 लोग बस गए हैं। पहले जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी यहाँ पर वो 600 लीटर थी, ठीक है। अब इस 600 लीटर पर यानी रिप्लेनिश वाला एरिया है, ये रिप्लेनिश का मतलब होता है जो दोबारा उसे काम में लाया जा सके, ठीक है, दोबारा वो पानी से भर सके, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्लेनिश होने के बाद 600 लीटर हमेशा आता है, मगर यहाँ पर अब कैपेसिटी 5 की जगह 5000 है, ठीक है, 5000 है, और 5000 लोग इस 600 लीटर पानी पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन में जो आती है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। अब हर चीज़ को मॉडर्नाइज करने में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो लगती ही लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, ऑब्वियसली वाटर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं वाटर के, चाहे फिर वो प्रेसिपिटेशन के रूप में हो। अब प्रेसिपिटेशन कैसे होता है भाई, प्रेसिपिटेशन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, पहले तो सरफेस एरिया का जो वाटर होता है, सरफेस वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होकर वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे वो कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद जब वाटर ड्रॉपलेट सिग्निफिकेंट अमाउंट तक पहुंच जाती हैं तो उसके बाद वो एमजी फोर्स के द्वारा, अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट करी जाती हैं, तो इसीलिए वहां पर बारिश होती है, ठीक है। तो ऐसे ही तरीके से हमारे पास काफ़ी तरीके के सोर्सेज हैं, जैसे कि सरफेस वाटर हमारे पास अवेलेबल है, अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल है, एटमॉस्फेरिक वाटर हमारे पास अवेलेबल है, अलॉन्ग विद ओशियनिक वाटर, ठीक है। ओशन तो मतलब समुद्र तो है ही वाटर से भरा हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जो सरफेस वाटर है ये एक मेन सोर्स है वाटर का, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जहाँ पर प्रेसिपिटेशन जब होती है ना तो हमें सरफेस वाटर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लाइक साउथ इंडिया की अगर बात करें तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनमें पानी तभी आता है जब प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है, अदरवाइज वो नदियाँ जो हैं वो सूखी पड़ी जाती हैं। लगभग 20% जो वाटर है सरफेस वाटर का वो इवेपोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेरिक वाटर बन जाता है। एटमॉस्फेरिक वाटर मतलब जब हवा में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वही एटमॉस्फेरिक वाटर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लार्ज पार्ट है सरफेस वाटर का वो कहीं ना कहीं रिवर्स में पाया जाता है और रिवरलेट्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स और लेक्स में पाया जाता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। और देखिए सरफेस इन द सेंस ग्लेशियर्स भी आते हैं, ग्लेशियर्स थोड़ा सा अलग पार्ट है, ठीक है, वो भी एकदम मानकर चले तो वो भी एक जो है ना पोर्टेबल वाटर में ही कंसीडर करे जाते हैं, मानना नहीं, वो पोर्टेबल वाटर में ही कंसीडर करे जाते हैं जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 जो सरफेस एरिया है उसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर इंडिया में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर सरफेस वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में भी मिलता है, ठीक है, जब
जब बारिश होती है। अब स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, इंडस की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी कि हमारी, देखिए इंडस जो है हमारी ऊपर से बहती है, मतलब जम्मू कश्मीर वाले एरिया में से बहती है, तो वहाँ पर इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, मगर गंगा प्लेन एरिया से बहती है, यहाँ पर परकोलेशन भी बहुत होता है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब जो एक तो जो नीचे का जो एरिया है, नीचे का ग्राउंड टेबल है, उसको भी रिचार्ज करती है गंगा, ठीक है, जब वो बहती है, ठीक है। और वहाँ के जितने भी आसपास वाले एरियाज हैं, वहाँ पर अगर आप इजीली डक करोगे ना, कोई भी अगर गड्ढा खोदोगे तो वहाँ पर इजीली जो ना मतलब वाटर जो है ना आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहीं पर ब्रह्मपुत्र में ऐसा नहीं होता, बेशक वहाँ पर फ्लड आती रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो रॉक स्ट्रेटा है ना वो परकुलेट उसमें से परकुलेट नहीं होता, वो जो रॉक स्ट्रेटा वो हार्ड है, तो उसमें से पानी जो है ना रिसता नहीं है, लाइक नीचे नहीं जाता, तो इसीलिए वहाँ पर वो सर्फेस पर ही बेहतर रहता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो ना आप जो ना डक कर गड्ढा खोद कर वहाँ से क्या नहीं कर सकते, पानी नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें गंगा के वाटर की तरफ देखने के लिए मिलती हैं। तो इसीलिए जो गंगा की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि सदर्न इंडिया की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी और इंडस जैसी जो नदी है ना, इनकी भी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, इनफ है, और यहाँ पर भी पानी आराम से निकाला जा सकता है इन नदियों के किनारे से, ठीक है। देखिए ये जो नदियाँ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जैसे कि इंडस का ये बेसिन कहलाता है, इंडस का बेसिन, जहाँ पर इंडस की ट्रिब्यूटरीज इंडस के साथ जुड़ती हैं, और अदर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे कि इंडस, रवि, चेनब, झेलम, सतलज, ब्यास, गागर, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, अदर जो इंडस के अलावा भी हैं। और गंगा का बेसिन ये वाला है पूरा का पूरा, ठीक है, ये महानदी का बेसिन है, ये गोदावरी का है, ये नर्मदा का बेसिन है, ठीक है, ये तापी का बेसिन है, ठीक है, ये यहाँ पर साबरमती बहती है, ये साबरमती का बेसिन है, ठीक है, और यहाँ पर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कच्छ और काठियावाड़ रीजन में बहती हैं, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन है पूरा का पूरा, ठीक है, ये ब्रह्मानी का बेसिन है, ठीक है, ये महानदी और पेन्नार का बेसिन है, गोदावरी, ठीक है, और ये वाला हमारा जो है ईस्ट फ्लोइंग पेन्नार और कन्याकुमारी का बेसिन है, ठीक है, और ये कावेरी का बेसिन है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब मानकर चलिए ये जो है एक पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम है गंगा की, यहाँ से आती है ये वाली गंगा की मेन स्ट्रीम है, और ये यहाँ पर जाकर अपना डेल्टा बनाती है काफ़ी बड़ा, सुंदरबन डेल्टा इसे बोलते हैं। ये जो दूसरी स्ट्रीम है, ये वाली जो दूसरी स्ट्रीम है, ये यमुना की स्ट्रीम है। यमुना एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना के साथ साथ काफ़ी चेनब और केन, बेटवा, ऐसी कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो यमुना के साथ जुड़ती हैं, और ऐसे ही गंगा के साथ भी ऊपर रामगंगा हो गई, और अदर जो ब्यास वगैरह जो रिवर हैं वो भी जुड़ती हैं, ठीक है। तो वो सारी जुड़ने के बाद जो ट्रिब्यूटरी कहलाती है ना, ट्रिब्यूटरी के साथ साथ एक मेन रिवर जो होती है, तो एक पूरा बेसिन क्रिएट करती है, पूरा का पूरा जो एरिया क्रिएट करती है, कैचमेंट एरिया क्रिएट करती है, जहाँ पर ये पानी कलेक्ट करती है और पानी एक मेन स्ट्रीम में छोड़ती हैं, तो एक तरीके का पूरा बेसिन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेसिन। ऐसी इंडस का होता है, ऐसी अदर जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं, आप वीडियो पॉज कर एक बार देख लीजिएगा, यह ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, चलें आगे, चलिए। तो ये आप ही की बुक का एक मानचित्र है, ठीक है, जहाँ पर बेसिन बता रखा है, ये गंगा का बेसिन है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इंडस का बेसिन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, देख सकते हैं आप इजीली, और ये अदर नदियाँ हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, पेन्नार और वेस्ट फ्लोइंग कृष्णा और पेन्नार रिवर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दे रखी हैं, आप इसे देख सकते हैं, एक बार निहार सकते हैं, और आपकी बुक में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, जहाँ पर बता रखा है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियाँ हैं इनका कैचमेंट एरिया कितना, यानी बेसिन कितना है, और इनके जो मानसून जब आते हैं तो इनमें कितना पानी जो है वो रन ऑफ हो जाता है, ठीक है, और समुद्र में जाकर मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो है सरफेस वाटर का पोटेंशियल इन रिवर्स का कितना पोटेंशियल कितना है वो बता रखा है यहाँ पर, ठीक है, और एस्टिमेटेड जो इसमें जो इनमें से यूटिलाइजेशन होता है पानी का वो कितना है वो यहाँ पर बता रखा है, और एस्टिमेटेड जो रिप्लेनिश होता है वो कितना है वो इतना है, ठीक है, वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और बाकी का जो ग्राउंड वाटर टेबल रिजर्व है वो कितना है यहाँ पर, ये इतना है, ठीक है, जिससे कि ग्राउंड वाटर टेबल जो रिजर्व होता है तो उसमें से पानी जो है बाद में निकाला जा सकता है। और जो कंटेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि क्रोमियम और ये एल्युमिनियम और बाकी के अदर आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो अब अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, अभी तो हमने सरफेस वाटर की बात करी, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमें कैसे पता चलेगा नीचे वाला? अब अंडरग्राउंड वाटर हमें वहीं तो मिलेगा ना जहाँ पर जो पानी है सरफेस पे से परकुलेट हो जाए, नीचे रिस जाए और नीचे जाकर जो पूरा खाली खाली जो पत्थरों के बीच में खाली खाली स्थान है वहाँ पर जाकर अपना जो स्थान है ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है, तो तभी तो हम उस वाटर को क्या बोलेंगे फिर,
अंडरग्राउंड वाटर बोलेंगे, ठीक है। मगर इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वाटर जो है ना परकोलेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नीचे रिसना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मगर जहाँ पर हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं वहाँ पर तो पानी नीचे नहीं जाता, इसीलिए ये सारी ये जो हार्ड रॉक वाली कंडीशन है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में देखने के लिए मिलती है। अब जो सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो तकरीबन 433 बिलियन जो क्यूबिक मीटर वाटर है वो रिप्लानिशेबल है, यानी उसको रिचार्ज करा जाता है रिवर्स के द्वारा। मगर उसमें से तकरीबन 399 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है यूजेबल होता है, मतलब यूज़ होता है उसमें से वेरियस पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अगर अंडरग्राउंड वाटर की, तो अंडरग्राउंड वाटर हर जगह सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, अलग अलग पाया जाता है। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पर रेनफॉल हो रही है और वहाँ की जो सॉइल है या वहाँ की जो ज़मीन है वो पर काफ़ी भुरभुरी और वहाँ पर जो है ईजिली पोरस है सॉइल और वहाँ पर ईजिली पानी परकोलेट होकर नीचे ग्राउंड लेवल में जा रहा है, तो वहाँ पर पानी जो है अच्छे खासे लेवल पर मिल जाएगा। मगर वहीं पर अगर कहीं हार्ड सोइल है तो वहाँ पर पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इसीलिए रेनफॉल, नेचर ऑफ रेनफॉल और नेचर ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ग्रेडियंट, लैंड का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक स्लोप है, ठीक है, यहाँ पर बारिश हो रही है तो यहाँ पर क्या पानी रुक जाएगा? इसके नीचे के लिए हमें तो सबसे बहुत गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा अगर यहाँ पर लोग भाग रह रहे हैं तो। इसलिए स्लोप भी मैटर करता है, स्लोप अगर अच्छा खासा है तो वहाँ पर हमें वाटर जो काफ़ी नीचे मिलेगा। वहीं पर अगर प्लेन एरिया में तो पानी जाकर रुक जाएगा ना, तो यहाँ पर हमें पानी जो है काफ़ी शैलो लेवल पर या फिर काफ़ी कम हाइट पर हमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर हम गड्ढा खोदेंगे तो। ये बात आपको समझ में आएगी, चलिए आगे बढ़ें। चलो तो ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पर जो है मतलब पोरस होने के बावजूद भी, लैंड यानी सॉइल पोरस होने के बावजूद भी पानी नहीं पाया जाता, वो राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर लैंड काफ़ी भुरभुरी है, ठीक है, पोरस है, मगर वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती, इसलिए वहाँ पर जो है पानी की अवेलेबिलिटी अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, वहाँ पर हार्ड रॉक पाई जाती है और लैंड जो है काफ़ी स्लोपी है, पर्वत वाली रीजन है ना वो, तो वहाँ पर लैंड काफ़ी स्लोपी होती है और पानी जो है स्लोपों पर रुकता नहीं है, वो प्लेन एरिया में आकर रुकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लेन एरिया जो होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, जैसे कि हमारा गंगा वैली रीजन जो है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिख रखा है कि अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, मतलब बहुत कम मात्रा में, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, क्योंकि वो भी एक तरीके से पर्वत वाला रीजन है और वहाँ पर जो है हार्ड रॉक पाई जाती है, पोरस जो सॉइल है वो वहाँ पर नहीं पाई जाती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करा जाता है, पंजाब वाले एरिया में, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सदर्न स्टेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है, उस ग्राउंड वाटर जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है थ्रू ट्यूब वेल्स, ठीक है। तो ट्यूब वेल्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो निकाला जाता है और खेतों में इरिगेशन के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि बोरो टाइप ऑफ इरिगेशन ज़्यादातर प्रैक्टिस होता है, मगर ड्रॉप और स्प्रिंकल इरिगेशन बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये कॉस्टली भी है, मगर इनिशियल कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, मगर लास्ट में जो कॉस्ट है बहुत कम रह जाती है। मगर हाँ, अगर मेंटेनेंस की बात है तो मेंटेनेंस भी इनका बहुत ज़्यादा है। अभी हम एग्रीकल्चर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सारे के सारे इरिगेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और इरिगेशन टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है, खासकर ये जो पंजाब, हरियाणा जो है, और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया था 1969 में, तो वह यहीं पर इन राज्यों में ही सबसे पहले लेकर आया गया था, ठीक है। अब फिर कुछ ऐसे राज्य में भी हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में रेनफॉल भी होती है और यहाँ पर जो है जो ग्राउंड वाटर टेबल का भी बहुत कम यूज़ होता है, मतलब अच्छा खासा ग्राउंड वाटर टेबल हमें देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बात आपको समझ, चलिए अब कुछ आपको मैप दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ये कुछ मैप है, ठीक है, डेप्थ लेवल ऑफ लेवल मैप, ठीक है। प्री मानसून में जो है हमें देखने के लिए मिलता है वाटर जो है इस तरीके में, देखिए जितना भी रेड वाला रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डक करना पड़ता है, ठीक है, डक करना पड़ता है, और जो ग्रीन वाला एरिया यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। अब वहाँ पर प्री मानसून, ये मानसून से पहले का मैप है, जब मानसून आ जाते हैं तो वाटर की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाती है इन वाले एरियाज़ में, आप देख रहे हैं नीला वाला एरिया, ठीक है। तो ये चीज आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से निहार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त में काफ़ी ज़्यादा वाटर रहता है, अगस्त में काफ़ी ज़्यादा पानी पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो रहे होते हैं। वहीं पर जनवरी में सारा का सारा वाटर कहीं ना कहीं जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, तो ये एक और मैप है, यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सेफ एरियाज हैं, यानी पानी मिल जाता है, मतलब अच्छे ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में तो मिल जाता है, मगर कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन रही है, सेमी क्रिटिकल, ठीक है, और क्रिटिकल, ठीक है, और ओवर एक्सप्लोइटेड एरियाज, यहाँ पर ये वाले एरियाज ओवर एक्सप्लोइटेड है, इंक्लूडिंग दिल्ली, ठीक है। सेलाइन वाटर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये काठियावाड़ और कच्छ वाला रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर नॉट असेस्ड, ये वाले रीजन को, क्योंकि यहाँ पर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो यहाँ पर असेस्ड नहीं करा गया, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो
यही सारी चीज़ें थी पूरी की पूरी, ग्राउंड वाटर जो वाटर रिसोर्सेज और सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में वाटर की, तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और यहाँ पर भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो की, आने वाली वीडियोज़ की, ठीक है। ईजिली यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी अपलोड होने से पहले ही, ठीक है। और फेसबुक पर भी आपके लिए एक स्पेशल पेज बना रखा है, सो दैट कि यू पीपल कैन कनेक्ट टू मी, ठीक है। यू कैन एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड अस, ठीक है। तो आपके कलीग्स भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो धीरे 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 चीज़ें जो है ना एकदम स्मूथली चलने लगेंगी, बट अभी थोड़ी सी जो है ना ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाइए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैं बताने के लिए हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।